नमस्ते दोस्तों, बाजार बोलता है में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं ग्लोबल मार्केट में यूएस मार्केट, यूरोप मार्केट और एशियन मार्केट का आज का हाल। तो आइए देखते हैं कल के कुछ टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की लिस्ट। आज देखने लायक स्टॉक्स की बात करें तो संघी इंडस्ट्रीज, प्रमोटर अंबुजा सीमेंट्स और रवि संघी ओएफएस के माध्यम से 3.52% हिस्सेदारी बेचेंगे। अंबुजा सीमेंट्स ओएफएस के माध्यम से 2.36% हिस्सेदारी और रवि संघी 1.16% हिस्सेदारी बेचेंगे। ओएफएस का फ्लोर प्राइस 90 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। ओएफएस नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 26 जून को और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 27 जून को खुलेगा। एनटीपीसी कंपनी 29 जून को एक बोर्ड बैठक आयोजित करेगी ताकि 12,000 करोड़ रुपए तक जुटाने के लिए एनसीडी जारी करने पर विचार किया जा सके, जो शेयर धारकों की मंजूरी के अधीन है। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस एनसीएलटी ने सोनी इंडिया के साथ मर्जर के लिए इम्प्लीमेंटेशन एप्लीकेशन फाइल्ड को वापस लेने की अनुमति दी। माइंड स्पेस बिजनेस पार्क आरईआईटी कंपनी ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन से सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड से जुड़े बॉन्ड जारी करके 650 करोड़ रुपए जुटाए हैं। पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज कंपनी की यूनिट को जल प्रदूषण नियमों के उल्लंघन के लिए तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक शो कॉज नोटिस मिला है।